विशाल जी आपको बताएंगे, हमारे टीम में भी लोग लिए हैं। ऐसा कोई ब्रह्मांड की कंपनी है, सतीश सर खुद बताएंगे, धनंजय सर बताएंगे, ये लोग ऑलरेडी कंपनी ऑलरेडी चला चुके हैं कि सर कंपनी का कैलकुलेशन होता है कि पहले इतना आएगा तब मैं इसी में से रिवार्ड वगैरह बांटूंगा, लेकिन कंपनी के पास अभी तक इनकम नहीं आया और रिवार्ड ज़्यादा बांट दिया। पहले क्या होता है कंपनियों में, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो, कंपनियों में एक चीज़ होता है कि वो जो प्रचारक होते हैं, जो कंपनी के प्रचार करते हैं कंट्री वाइज, उनको बहुत पैसा मिलता है, उनको रिवार्ड एवार्ड पैसा सब कुछ उनको ही मिलता है, बाकी नीचे। अब मैं बताऊं कि मेरे मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला और मेरे डाउनलाइन में 12 लोगों को रिवार्ड एंड अवार्ड से नवाजा गया, तो बताइए अब इससे बढ़िया अपलाइन को क्या खुशी हो सकती है। लेकिन वो अपलाइन यहाँ कुछ नहीं रह सकते जो ऑलरेडी सेट वर्कर हैं, बाकी कंपनियों में सेट वर्कर के हिसाब से अपनी जिंदगी बिताए हैं। दोस्त ऐसी कोई कंपनी आप देखिए जहाँ पे आने से पहले रिवार्ड एवार्ड बांटना शुरू कर दिया, आने के बाद क्या होगा? देखिए एक चीज़ तो यहाँ मानना पड़ेगा आपको कि कंपनी का स्टार्टअप दौर में है। स्टार्टअप दौर होता है, जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की हम बात करें, चाहे वो वर्ल्ड की नंबर वन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या इंडिया की नंबर वन एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, इन लोगों का उद्गम एक दिन में नहीं हुआ था। आज जो BMW फॉर्चुनर ये खाड़ियाँ उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के माध्यम से लोग चमका रहे हैं, तो एक दिन में नहीं हुए हैं। उसके लिए उन्होंने टाइम बिताया है वहाँ पे। सतीश साठे सर को सुनने के लिए हमारा तो सौभाग्य सौभाग्य है कि धनंजय जी जैसे, सतीश जी जैसे, विशाल जी जैसे, मनीष जी जैसे सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो ऑलरेडी किसी कंपनियों में मतलब बहुत बड़े धुरंधर आ चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य, इन्होंने बिजनेस को समझा है। ये हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग हो या फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या इनकी जो सोच है हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है ये, और ये हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो ये क्यों, इनको विश्वास है। ऐसा नहीं कि हमने इनको पैसे दे के बुलाया हो या कंपनी ने हम पैसे इनको बांट रही है, हम कोई पैसा नहीं बांट रहे हैं या कंपनी बांट रही है, हम लोग सही चीज़ को काम कर रहे हैं और सही हमें समझ में आ गया है। अब आप मैसेज करेंगे कंपनी ये है, एलेक्स कौन है, फलाना कौन है, नॉर्डिक क्या, अरे भाई इसके बोलिए खुद तो सर्च कीजिए पहले। आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया है, हमसे ज़्यादा बढ़िया है, आप जाइए सपोर्ट को मैसेज कीजिए। हम तो सपोर्ट को मैसेज करते हैं, आज भी हमें कुछ पता नहीं चलता है, हम सीधा सपोर्ट को मैसेज करते हैं, वहाँ से सपोर्ट हमें मैसेज करता है उसके रिगार्डिंग, और सपोर्ट का मैसेज बिल्कुल सही लगता है, हाँ ये सही बता रहा है यहाँ पे। तो आप सपोर्ट को मैसेज कीजिए, हमसे पूछने से ज़्यादा है सपोर्ट को मैसेज कीजिए, सपोर्ट आपको सही जानकारी, हमसे भी ज़्यादा जानकारी सही सपोर्ट देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में अपने आप को डेवलप कीजिए। अगर आपको ये बिजनेस समझ में आ गया सर तो आप कर सकते हैं, बिजनेस समझ नहीं आता तो समझ सकते हैं, फिर भी समझने के बाद भी अगर आपके मन में दुविधा है कि ये कंपनी भाग जाएगी, लूट जाएगी, ये हो जाएगी, सर मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ 1,000-1,500 वाली बहुत सारी कंपनियाँ स्टार्ट हो रही है, हर हफ्ते स्टार्ट हो रही है, हर हफ्ते बंद हो रही है, तो प्लीज़ आप उसको सिलेक्ट क्यों नहीं करते हैं? कुछ अर्निंग भी वहाँ से होगा और आपको टेंशन भी नहीं होगा। बहुत सारी कंपनियां हैं 500-1,000 की हमारे पास भरे रहते हैं। अब मैंने क्या किया है, व्हाट्सएप को धीरे 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 व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास 158 व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने सबको डिलीट कर दिया, लगभग मात्र मेरे पास 10-12 व्हाट्सएप ग्रुप अभी बचे हुए हैं, उनको भी मैं धीरे धीरे 2 दिन में डिलीट करके पूरे टेलीग्राम में शिफ्ट कर जाऊंगा। नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को रखना एक सरदर्दी है, वो एक अलग कंपनी का ग्रुप बनाएंगे, वो आपको मैसेज भेज देंगे। मेरे व्हाट्सएप में मैंने एक सेटिंग भी कर रखा कि आप किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग मुझे उसमें ऐड नहीं कर सकते, जब तक मैं नहीं चाहूंगा मैं ऐड नहीं होऊंगा। तो सब सेटिंग ऑन कर दीजिए सर आप लोग, वो सब सेटिंग ऑन कर दीजिए आप लोग। ये मतलब हम पिछले अगर 13 महीना हो गया और यहाँ पर हम लगे हुए हैं तो कुछ ना कुछ है तभी लगे हुए हैं। सतीश हाडे सर का बहुत बड़ा नाम है, धनंजय जी का बहुत बड़ा नाम है, विशाल जी का बहुत बड़ा नाम है, आप जाइए उत्तर प्रदेश के कुछ और हरियाणा के बहुत सारे एरिया में, सुनील शर्मा जी का बहुत बड़ा नाम है, मैं जाके यहाँ वहाँ पर्सनली इनको देखा हूँ और ये हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। 1.54 रुपया इनकम नहीं ले रहे हैं, यहाँ तक कि इस जूम को अपग्रेड करने के लिए अप्रोक्स 1.5 लाख रुपया मैंने, कृष्णमूर्ति जी ने 1.5 लाख रुपया, फिर अपना क्या नाम है उनका, केरला के हैं एक और हैं, उन्होंने 1.5 लाख रुपया, और अपना क्या नाम है उनका पंजाब से दिनेश शर्मा, दिनेश शर्मा अभी स्टार्ट किए हैं, 13-14 हज़ार रुपया हर महीने भरते हैं। ये कंपनी नहीं दे रही हमें, हमें विश्वास है इस कंपनी के ऊपर कि ठीक है
हम उस पेड़ को लगाए हैं, जो इस पेड़ की अगर हम रक्षा किए तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल बाद तो हमें पक्का यहाँ से अच्छा फल मिलेगा। और जिनको लगता है कि ये पेड़ बेकार है, जा छोड़िए उस पेड़ को, बेच के चले जाइए कहीं पे। आप टाइम अपना खराब मत कीजिए इस कंपनी में, अगर आपको ये बिजनेस पसंद नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये बिजनेस अच्छा है, इसको और समझता हूँ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आप बताइए, आइए। हम सतीश आठे सर का, धनंजय सर का, विशाल जी का, एक शेड्यूल, सुनील शर्मा जी का, बी आर राठौर जी का, आलोक जी का, सुनील अपना सुमन मैम का, गजाला मैम का, सीमा मैम का, एक शेड्यूल चलाएंगे, जिनको आप सुन के बीस बिजनेस को समझ सकें। हम चलाएंगे उसको, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, लेकिन आप समझिए तब। ये शॉर्टकट वाला बिजनेस नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ आपको तपना पड़ेगा, टाइम आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। स्टार्टअप कंपनी है, ऊंच नीच आगे पीछे ये होता रहेगा। अगर ये चीज़ आपको अंदर है कि मैं एक्सेप्ट करके यहाँ पर टिक के रह सकता हूँ, तो आपका स्वागत है। और नहीं तो एक चीज़ हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, बिजनेस को समझिए। नहीं समझ सकते आप, प्लीज़ आप मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, आप वहाँ काम कर लीजिए। जिस दिन स्टार्ट होगा आप आ जाइएगा, अगर स्टार्ट नहीं होता है, थोड़ा टाइम और लगता है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच में रहिएगा। और रिस्क हर जगह है, हर कदम पे एक रिस्क है, हर कदम पे रिस्क है, हर कदम पे। गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं, वहां भी रिस्क है, क्या गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं? नो रिस्क नो गेम। तो धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका जो मुझे आप मौका दिए। और